लोग क्या कहेंगे दोस्तों? लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी। और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। आप अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम्स में खुश रहो। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता था। उसका एक लौता बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था और वह दोनों काफी गरीब थे। लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था, वह अपनी अजीब बातों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था और पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है, यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। रात का समय हो गया था और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों ने खाना खाने के बाद वह लड़का सो गया और उसके पिताजी घोड़े को चारा डाल के अपने घर के बाहर अपने बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह जब वह बूढ़ा आदमी अस्तबल में घोड़े को लेने गया, तो बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कई लोग वहां आ गए थे और बातें करने लगे। हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? उन भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने जा सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़ा इकलौता आपके कमाई जा जरिया था, आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारते। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतनी कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है, सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा आदमी अकेला अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी अचानक रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 15 और घोड़े आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अभी एक नहीं 15 और घोड़े हैं, आपकी किस्मत अब बदल चुकी है, अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 15 और घोड़े आ गए हैं, जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना सीखना शुरू किया, लेकिन घोड़े जंगली थे तो जल्दी वश में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसे काफी जख्म भी लगे थे और उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा है और वह दर्द से चिल्ला रहा है। और फिर कुछ लोग उसे वेद जी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठे हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं, 15 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था बल्कि अभिशाप था, आपके इकलौते बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी? गरीब आदमी बदकिस्मत है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है, यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी, लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा।
कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपने सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी युवाओं को भी न चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। राजा और उसकी प्रजा युद्ध दुश्मन का सामना कर रहे और दूसरी तरफ, लेकिन उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक से रहते हैं, लेकिन आप यह कर कैसे लेते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य कोई नहीं जानता। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। लाभ हानि भाग्य, यह जीवन के छोटे से छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी वह घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान पल में रहे। जीवन इसी वर्तमान में है, खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हो। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा सही था, लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन अब उन्हें यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और उसके बाद करीब 2 दिन बाद राजा यह युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और वह नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी। और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो, इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वर्ल्ड 3 इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।